चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल केसी ट्यूटोरियल में। मुझे पता है आप बहुत दिन से परेशान हैं। मैं बहुत लंबी छुट्टी पे गया हुआ था, अंडमान निकोबार के सारे आइसलैंड, हैवलॉक, नील, बैंगलोर, चेन्नई, काफी जगह घूम के आया हूँ वापस। और बहुत जल्दी जल्दी मैं आप खत्म करूंगा। कोशिश करता हूँ कि मैं एक दिन में 2 या 3 लेक्चर लेकर के मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म करूंगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड में जो चैप्टर नंबर 1 था, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक, उसमें 2 लेक्चर्स थे। यानी कि पूरा के पूरे चैप्टर को हमने 2 लेक्चर में डिवाइड किया है। पहला लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, खत्म हो गया है। आज हम बात करेंगे इस क्लास में दूसरे लेक्चर की। तो लास्ट क्लास में भी आपने क्या समझा कि व्हाट इज द पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके प्लीज जाके पहला लेक्चर उसको देखिए, तब आप उसको दूसरे को देखिए। एक छोटा सा आपको मैं स्क्राइब करता हूँ, छोटा छोटा, कि मैंने आपसे कहा कि जब समोसा आप बनाते हैं, आपको मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि 1000 समोसा आपको बनाना है और आप पहली बार बना रहे हैं, तो अब आपको क्या है, कितना मैदा चाहिए, कितना आलू चाहिए, क्या चटनी चाहिए, किस रेशियो में मिर्च होगा, किस रेशियो में नमक होगा, ये चीजें अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप हो सकता है कि 1000 का बैच समोसा का पूरा पूरा बर्बाद कर दे, जिसके चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर आप 1-10 समोसा का, 5 समोसा का छोटा बैच पहले बनाइए, उसकी रिहर्सल कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसी रेशियो में किस रेशियो में मसाला पड़ेगा, किस रेशियो में चटनी है, किस रेशियो में मैदा है, किस रेशियो में आलू है, उसी ही रेशियो को आप कैलकुलेट करके 1000 का बैच बनाएंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड स्केल अप टेक्निक, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक, यानी छोटे लेवल पे काम करके उसे बड़े लेवल पे शिफ्ट करना। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे, आज हम एक टॉपिक, सिलेबस पे 2 टॉपिक है। एक है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक फॉर आपके लिक्विड ओरल्स के लिए है, और दूसरा है फॉर सेमी सॉलिड्स के लिए। सेमी सॉलिड्स के लिए एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया है, लिक्विड ओरल का बहुत बार पूछा गया। मैं लिक्विड ओरल का डिस्कस करने जा रहा हूं और सेमी सॉलिड का उसी हिसाब से आप अपने खुद से बना के लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, दिस इज द स्केल अप टेक्निक्स फॉर लिक्विड ओरल। यानी जब आप कोई बनाएंगे लिक्विड ओरल, कोई सिरप, कोई सस्पेंशन, कोई मल्सन आप बनाएंगे दोस्तों, तो कैसे आप काम करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, उसके लिए छोटे लेवल पे आप क्या काम करेंगे स्केल अप लेवल पे, इसके बारे में हम लोग इस क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है कि लिक्विड ओरल क्या होता है, इसको जान लीजिए, सबको पता है, कोई नया बात नहीं है दोस्तों। लिक्विड ओरल क्या है, एक फिजिकल फॉर्म है लिक्विड, जिसमें देखिए मैंने बताया था क्या, अगर आपको याद होगा, जो हमारा व्हीकल होता है वो जिस फॉर्म में है, अगर व्हीकल मतलब जो ड्रग को कैरी करता है एपीआई, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड डोजेस फॉर्म, गैस फॉर्म है तो गैसेस डोजेस फॉर्म, और सेमी सॉलिड फॉर्म है तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड ओरल्स में क्या होता है, जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता है वो पोरेबल होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, इसमें कुछ बिहेवियर होते हैं, प्लास्टिक, सीडो प्लास्टिक, न्यूटोरियन, नॉन न्यूटोरियन, ये सब आप फिजिकल फार्मेसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3rd ईयर में और 2nd ईयर में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमें लिक्विड ओरल्स में क्या करना होता है, उनमें जो दवाइयां हैं उसको पहले समझना है कि किस क्वालिटी के हैं। 2 तरीके होते हैं लिक्विड ओरल्स फॉर्म, बाय डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि इमल्सन और सस्पेंशन, जिसमें डिस्पर्स होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। दूसरे होते हैं सोल्यूशन टाइप के, तो डिस्पर्स्ड सिस्टम जिसमें 2 से ज्यादा फेजेस होते हैं और जिसमें एक ही फेज, यानी सोल्यूशन फेज और डिस्पर्स्ड फेज। तो इस तरह के 2 प्रकार के सोल्यूशन के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स का, यानी स्केल अप टेक्निक को पढ़ेंगे। तो जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक है दोस्तों, उस टेक्निक में हम पहले जिस टेक्निक की बात करेंगे, चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि समोसा बनाने के कौन कौन से स्टेप हैं, यानी लिक्विड ओरल बनाने के कौन कौन से स्टेप। जब तक आप स्टेप नहीं पता रहेगा तब तक आप कैसे जानेंगे कि उसके काम कैसे करना है स्केल अप टेक्निक पे। तो पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपको मटेरियल को क्या चाहिए उसकी प्लानिंग करिए कि कौन सा मटेरियल चाहिए, कहाँ से लेना है, कहाँ से मंगाना है, किस क्वांटिटी में मंगाना है, किस बर्तन में मंगाना है, कहाँ स्टोर करना है, इसका पूरा जो मैनेजमेंट है वो है प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। दूसरा है लिक्विड प्रिपरेशन, अब आप उस लिक्विड को बनाइए, यानी जो भी आपको सोल्यूशन, सस्पेंशन है, इमल्सन है, सिर्फ जो भी आपको बनाना है आप उस लिक्विड को बनाइए। बनाने के बाद दोस्तों आप क्या करिए, आप उसको जब बना लीजिए तो बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप फिलिंग एंड पैकिंग कीजिए, यानी उन पूरे मटेरियल्स का फिलिंग कीजिए और पैकिंग कीजिए, इसको बोतल में भरिए, भर पैक करिए, और पैक करने के बाद आखिरी में आप उसकी टेस्टिंग कीजिए। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग या क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। ये 4 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप स्केल अप टेक्निक करेंगे किसी भी लिक्विड ओरल के लिए। पहला टेक्निक क्या है, प्लानिंग करना है क्या रॉ मटेरियल क्या चाहिए, दूसरा लिक्विड प्रिपेयर करेंगे, तीसरा उसका आप क्या करेंगे पैकिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, और चौथा स्टेप उसकी टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो ये 4 चीजें दोस्तों आपको ध्यान देनी है। तो
तो अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जब हम लिक्विड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्योंकि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का मतलब है कि हमको वो सारे अनुभव हो जाए कि जहां पे प्रोडक्ट खराब हो सकता है, यानी समोसा बनाते समय जो क्रिटिकल फेज है जहां पे चीजें खराब होती है, जहां से क्वालिटी बढ़ती है, उसको अगर जो समझ लिया। भाई समोसा सभी दुकान वाले बनाते हैं, लेकिन उसमें जो मसाले का रेशियो है, मसाले और आलू का रेशियो है, उसको तेल में छानने का जो रेशियो है, उसका जो टाइमिंग है, ये परफेक्ट जिसका होता है उसका समोसा बेस्ट होता है। और बहुत से लोग समोसा बनाते हैं किसी को स्वाद ही नहीं, तो भाई सबके यहाँ तो भीड़ नहीं लगती दुकानों में, कुछ कुछ दुकानों में बहुत भीड़ लगती है। उसी तरह से क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको ध्यान देना है, और जो उसको ध्यान दे के उसको सुधारेगा, उसको बेस्ट करेगा, उसका प्रोडक्ट नंबर एक का बनेगा। उसी तरह से लिक्विड प्रोडक्ट बनाने में, लिक्विड सोल्यूशन बनाने में कुछ फिजिकल आपको कुछ एस्पेक्ट है जिसको फिजिकल आप बोलते हैं। क्रिटिकल एस्पेक्ट में पहला है फिजिकल प्लांट, यानी जिसमें आप बना रहे हैं, जिस मशीन में बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं, उसमें कौन कौन से क्रिटिकल एस्पेक्ट है। तो उस मशीन में हीटिंग कैसी है, उसका वेंटिलेशन कैसा है, जिस कमरे में बना रहे हैं वहां पे वेंटिलेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा मेंटेन है, वहां पे एयर कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा है, ऐसा तो ह्यूमिडिटी आ रही है, बाहर से मॉइस्चर आ रहा है, या बाहर से कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं अब हवा के साथ बह के, तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ये देखना है। लॉन्ग प्रोसेस टाइम करने पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब चीजें, फिजिकल केमिकल स्टेबिलिटी कितनी है उस कमरे की, टेम्परेचर की, ये सारा कुछ कंसिडर करना है आपको स्केल अप टेक्निक के फिजिकल प्लांट के क्रिटिकल एस्पेक्ट। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा है, अब आप कुछ लिक्विड्स बना रहे हैं, मान लीजिए सस्पेंशन बना रहे हैं, तो उस पे जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, तो अगर आप सस्पेंशन बना रहे हैं, आपको एज इट इज लिखना है अपनी कॉपी में। अगर आप दोस्तों सस्पेंशन बना रहे हैं, तो सस्पेंशन अगर आप बना रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। सस्पेंशन बनाते समय अगर आपको आपका पर्पज क्या है, सस्पेंशन बनाने का पर्पज क्या है, कि फैसिलिटेटिंग द कनेक्शन बिटवीन एपीआई एंड व्हीकल, यानी एपीआई और व्हीकल दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो और अच्छे से फ्लो हो। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसको मिक्स करने के लिए हमको चाहिए वेटिंग एजेंट, सॉल्ट फॉर्मेसिंग एजेंट, ठीक है। ये बात कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको एपीआई को बहुत लंबे समय तक सही रखना है, यदि मान लो आपको जो दवा मिलाई है उसको 2 साल एक्सपायरी है, उसे 2 साल तक रहना है, सही रहना है, तो बफरिंग सिस्टम है, पॉलीमर है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको डालने हैं ताकि वो हमारा जो ड्रग है वो लंबे समय तक सही बना रहे। अगर आपको सस्पेंशन के अपियरेंस को हमेशा अच्छा बनाना है कि भाई वो हमेशा अच्छा दिखे, फ्लॉकी ना दिखे, डिजीनेस ना दिखे, क्लाउडी ना दिखे, या बैठ ना जाए, तो उसमें आपको कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, चॉकलेटिंग एजेंट मिलाना है, ठीक है। अगर आपको उसके टेस्ट को मास करना है, बहुत गंदा टेस्ट है, तो आपको स्वीटनिंग एजेंट मिलाना है, फ्लोरिंग मिलाना है। यही सब आपको सीखना है पायलट प्लांट स्केल टेक्निक में, यही सब आपको सीखना है अगर आप सस्पेंशन बना रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ और डोजेस फॉर्म लिक्विड में आते हैं, जैसे अगर आप लिक्विड में इमल्सन बना रहे हैं, इमल्सन क्या होता है, उसमें ऑयल और वाटर, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि ऑयल और वाटर मिलते ही नहीं है, क्रैकिंग हो जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है, खराब हो जाता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में एक स्टोरी सुनाई थी केमिस्ट की, कि कैसे उसने पूरा का पूरा सोल्यूशन खराब कर दिया था। तो उसमें अगर पार्टिकल साइज एक पर्पज है, तो उसके लिए सॉलिड पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजेंट यूज कर सकते हैं, जो पार्टिकल साइज को छोटा करे। अगर आपको एपीआई प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ भी बफरिंग सिस्टम और एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीमर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपीयरेंस को मेंटेन करना है, कि अपीयरेंस आपका इमल्सन का अच्छा दिखे, तो आप कलरिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, आपका पेनिट्रेशन इनहांसर और जेलिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेस्ट को मास करना है, तो स्वीटनर और फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब किसका इस्तेमाल करके आप उसको बेहतर बना सकते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यही आपको पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में दोस्तों समझना है। अगला है, अगर हम बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें, अगर हम कोई सॉल्यूशंस बना रहे, तो अगर कोई सॉल्यूशन मतलब होता है सिरप, जिसमें इमल्सन सस्पेंशन ही सिरप है, सिंपल सा वाटर सॉल्युबल है, तो उस पे क्या क्या ध्यान देनी है, उस पे पहली बार अपीयरेंस ध्यान देना, कलर बहुत प्यारा होना चाहिए, क्योंकि कलर अगर क्लियर रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो वो देखने में अच्छा लगेगा और पेशेंट को यूज करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो कलरिंग, स्टेबलाइजर, को सॉल्वेंट, एंटी माइक्रोबियल, प्रिजर्वेटिव, ये सब इस्तेमाल करना है, कौन कितना इस्तेमाल करना है, किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, ये आपको समझना है। अगला है टेस्ट, मास करने के लिए सेम चीज, स्वीटनर और फ्लेवरिंग एजेंट, बस ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान देनी है, ये हमारे हो गए सॉल्यूशंस के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरा फेज इक्विपमेंट्स, पहला तो फिजिकल एस्पेक्ट, अब दूसरा इक्विपमेंट, क्रिटिकल पॉइंट पे दूसरा फेज आता है लिक्विड ओरल्स में, दिस इज इक्विपमेंट्स, हमें कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं लिक्विड ओरल बनाने के लिए, ये हमको पता होना चाहिए। और जब हमें पता है कि लिक्विड ओरल बनाने में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करेंगे, तो उसके बारे में भी समझ जाएंगे। जैसे कि मिक्सर यूज करते हैं, होमोजेनाइजर यानी जो पार्टिकल को छोटा करते हैं, एक साइज में करते हैं, फिल्ट्रेशन असेंबली यूज करते हैं उसको छानने के लिए, बॉटलिंग असेंबली इस्तेमाल करते हैं बॉटल में भरने के लिए, तो इतने इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। तो ये इक्विपमेंट बारे आपको पहले से स्टडी करना है, उसको प्रॉपर सेटअप करना है, उसके बारे में सब कुछ समझना है, ये इक्विपमेंट्स का एक हमारा एक तरह का पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक हुआ। अब फ्लो चार्ट, अब कैसे बनाना है उसका सिंपल, देखिए रॉ मटेरियल लाइए,
आपको एक प्रोडक्ट में बनाना है फ्लो चार्ट कि रॉ मटेरियल लाइए, आपने उसको मेजर किया, वे किया, फिर उसको आपस में मिला के मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने डिस्टिल वाटर मिलाया, उसको फिर मिक्स किया, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब आपने उसको बोतल में भरना शुरू किया, फिर पैक किया, सील किया, फिर उसको पैकिंग करने के बाद स्टोर किया और फिर क्वालिटी एश्योरेंस उसकी टेस्टिंग करा दी। ये सारा फ्लो चार्ट है कैसे रॉ मटेरियल बनता है और इस किन किन स्टेप में आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, यही आपको पढ़ना है पायलट प्लांट स्केल टेक्निक। बात करते हैं लास्ट स्टेप की, क्वालिटी एश्योरेंस। भाई आपका बन गया, पैक हो गया, अब क्वालिटी एश्योरेंस मतलब उसी क्वालिटी को चेक करना है। तो उसमें डिसोल्यूशन ड्रग का क्या रेट है, ड्रग का डिसोल्यूशन कैसा हुआ है, उसमें पार्टिकल आपको दिख नहीं रहे हैं लिक्विड में, अब उठाकर देखिए सिरप के हिस्से तो वो दिख रहा है, पार्टिकल क्लियर नहीं है, कुछ कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक पार्टिकल दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ड्रग की पोटेंसी क्या है, सस्पेंशन की टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी क्या है, मेल्सन्स की माइक्रोबियल माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल कितना है, कोई बैक्टीरिया वायरस तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी कितनी है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, स्टेबिलिटी कितना है, ये सारा चीज आपको दोस्तों यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी पे अब हम बात करते हैं इसके, व्हाट इज द सू पैक। देखिए सू पैक एक नया टॉपिक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है सू पैक के बारे में कि व्हाट इज द सू पैक, डिस्क्राइब सू पैक, बहुत आसान भाषा में आपको समझाना है दोस्तों सू पैक होता क्या है। तो सू पैक क्या है दोस्तों, एक ऐसा प्रोसेस को पूरा नाम समझिए, सू पैक का पूरा नाम होता है स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, SUPAC, एस से स्केल, यू से अप, पी से पोस्ट, ए से अप्रूवल, सी से चेंजेस, यानी स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, सू पैक। ओके, अब इसको मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरा आपको फेवरेट एग्जाम्पल है समोसा। आपने समोसा बनाया दोस्तों, समोसा आपने जो पांच, आपको 1000 समोसा बनाना है, लेकिन आपने पांच से छोटे छोड़ो समोसा छोड़ो, आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, हलवाई आपने नहीं किया, आप खाना खुद बनाने जा रहे हैं। खाना बनाना मुझको आता है, मेरे ख्याल से आपको भी आता होगा, आप खाना खुद बनाने जा रहे हैं। तो आप खाना खुद बनाने जा रहे हैं तो उस खाने, मान लीजिए कि 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है, तो आपने पहले 10 लोगों को खाना बना के या 2 लोग खाना बना के उसका ट्रायल लिया। मान लीजिए आपने जिस रेशियो में चीजों को लिखा था उसमें खाना बनाने के बाद आपने टेस्ट किया तो आपको मालूम चला, अरे यार ये तो खाने में कुछ कमियां हैं। पहला, नमक ज्यादा है, दूसरा मसाला कम है, तीसरा मिर्च बहुत ज्यादा है, चौथा ये सही से पनीर जो है वो फ्राई नहीं हुआ है, पांचवा सब्जी में तेल कम है तो सब्जी जल गई। इतनी चीज समझ में आया, यानी अब इन चीजों को जो आपने गलतियां की, जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे या दूसरा पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक करेंगे, यानी आपने 2 बैच बनाए, अब आप फिर से बनाएंगे 10 लोगों के लिए, या हो सकता है फाइनली आप बनाना शुरू करें, तो आप जो गलतियां उसमें किए थे उसमें चेंज करेंगे। जैसे आप नमक कम करेंगे, मिर्च कम करेंगे, तेल ज्यादा बढ़ाएंगे, देर तक पनीर को फ्राई करेंगे, उसको देर तक पकाएंगे, यानी जो गलती आप पहले कर चुके हैं उसको सुधार के फिर से नया फॉर्मूला बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यानी चेंज होने के बाद। तो पूरा नाम क्या है, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस सू पैक, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे जो बन गया है, बनने के बाद हमें जो मॉडिफिकेशन करने हैं, जो चेंज करने हैं, इसी को हम सू पैक कहते हैं, यानी स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। इसको आप पूरी तरह समझ गए होंगे, चलिए डिफाइन कर लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट द बैच साइज यूज इन द अर्लीस्ट ह्यूमन स्टडी ऑफ दिस मंथ, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कोई बैच साइज बनाते हैं तो हम छोटा बैच बनाते हैं, क्लियर हो गया, और उस बैच को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे पहले 2 आदमी खाना बनाया, सही खराब बना, उसको चेंज किया, 10 आदमी बनाया, उसमें कुछ कमी रह गई, फिर उसको सही किया, 20 आदमी बनाया, फिर कुछ सही रह गया तो 100 आदमी को बनाया, यानी धीरे धीरे हम ग्रेजुअली जब इंक्रीज करते हैं तो उसी में हमारा होता है सुपैक। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्केल अप एंड द चेंजेस मेड आफ्टर अप्रूवल इन द कंपोजिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड चेंजेस ऑफ द साइट हैव बिकम नोन एज द स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यानी जब उसके किसी टेक्निक में कंपोजिशन में जब आप अप्रूवल के बाद जो चेंज करते हैं दोस्तों उसी को स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस या सुपैक कहते हैं। इसको आप समझ गए होंगे, सुपैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं सुपैक के बारे में। तो सुपैक के लिए FDA ने अलग अलग गाइडलाइन जारी किया है, हर चीज में एक अलग सुपैक होता है। अगर आपने क्या किया, कोई ऐसा बना रहे हैं टैबलेट जो IR यानी इमीडिएटली रिलीज वाला है, जैसे आपने डेस्परिन डाला पानी में घुल से घुल गया, तो ऐसे टैबलेट के लिए जो सुपैक होता है उसको सुपैक IR कहते हैं। अगर मॉडिफाइड रिलीज कोई टेबलेट आप बना रहे हैं उसके लिए सुपैक MR होता है। अगर आप सस्टेन रिलीज या स्टेराइल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका नाम सुपैक SS होता है। अगर आप मान लीजिए आई जो भी जिस तरह का बना रहे हैं उसके लिए बस आपको टेक्निक का नाम सुपैक होता है, ठीक है। ये सिंपल सी एक दोस्तों इसकी कहानी है। आगे हम बात करते हैं सुपैक गाइडलाइंस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो सुपैक के जो गाइडलाइन है किस किस लेवल पे हम चेंज कर सकते हैं,
उसके आधार पे गाइडलाइन बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ चेंज कि कहां पे हमको चेंज करना है। तो मैंने समोसा बना रहे थे कि खाना बना रहे थे तो पनीर छानने के केस में चेंज करना है, नमक डालने के केस में चेंज करना है, मिर्च कम डालने के केस, जहां जहां चेंज करना है उसके लेवल ऑफ चेंज के आधार पर सुपैक होता है। दूसरा फिटिंग के आधार पर कि आपने जो फाइलिंग कर रहे हैं, सॉरी जो आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उस जब वहां पे चेंज करेंगे उसे फाइलिंग पे सुपैक कहते हैं। भाई पहले तो आपने बनाया, बनाने के दौरान जो आपने परिवर्तन किया उसे लेवल ऑफ चेंज सुपैक कहेंगे। जब आपने बना लिया तो उसका प्रोसीजर लिखेंगे अपनी डायरी में, फाइल बनाएंगे तो उसको फाइलिंग सुपैक कहेंगे। और उसके बाद जब आप टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग भी तो कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपने टेस्टिंग आपको बदलनी पड़ेगी, तो टेस्टिंग में जो आप चेंज करेंगे उसको टेस्ट सुपैक कहते हैं। तो तीन लेवल पे सुपैक के डेफिनेशन होते हैं। तो जो लेवल ऑफ चेंज होता है वहां पे चेंजेस माइनर होते हैं, मॉडरेट होते हैं और हाई चेंज होते हैं, यानी कि तीन तरीके हो सकते हैं। जैसे थोड़ा बहुत कम किया सही हो गया, या ज्यादा किया या बहुत ज्यादा किया, उस तीन लेवल पे हम लोग सुपैक करते हैं। दूसरा फाइलिंग केस में अगर आप साल में एक बार रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो एनुअल रिपोर्ट है। अगर हम सप्लीमेंट जो अफेक्ट हुआ उसकी जगह दूसरा सप्लीमेंट डाल रहे हैं तो उसको चेंजेस बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंट रिपोर्ट कहते हैं, या हमने बाद में इसको सबमिट किया तो प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट कहते हैं। और टेस्ट के बेसिस पे एप्लीकेशन कॉम्पिटिस आपका टेस्ट है, इन विट्रो रिजोल्यूशन टेस्ट है और इन विवो टेस्ट है। तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर था बहुत ही छोटा चैप्टर था, यानी कि हम लोगों ने दो लेक्चर में इस यूनिट को खत्म कर लिया है और इस तरह से यूनिट वन हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी खत्म हो गया है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, और यूनिट टू स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक बार जरूर डिस्कस कीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। अब क्लासेस बहुत जल्दी लूंगा, मुझे पता है आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।